हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर टुगेदर कैसे हैं आप आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके कंप्यूटर रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिन भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है उन सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन है अप्रॉक्सी तो सर्वर इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग तो अप्रॉक्सी सर्वर इनमें से किसके लिए चाहिए होता है तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर अ वेब अगर क्लाइंट वेब के लिए यानी इंटरनेट में किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट तो उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करने के लिए यूज करते हैं हम तो प्रोक्सेसर सर्वर क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ मान लीजिए ये सेंडर है और ये है सर्वर तो अगर सेंडर सर्वर को कोई रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर को डायरेक्ट ये पता चल जाएगा कि सेंडर कौन है तो इस तरह से कोई भी सिक्योरिटी नहीं रह पाएगी तो इस इस केस में यूज़ करते हैं हम है, प्रॉक्सी सर्वर ये इन दोनों के बीच में मीडिएट का, का काम करता है तो क्या होगा अगर मान लो सेंडर का नाम है ए अगर ए किसी मान लो सॉन्ग के लिए रिक्वेस्ट करता है सर्वर से तो यहाँ पर प्रॉक्सी सर्वर के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी कि ए ने सॉन्ग के लिए रिक्वेस्ट किया है बट प्रॉक्सी सर्वर फिर जो सर्व सर्वर होगा उसको ये रिक्वेस्ट करेगा कि एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट आई है प्रॉक्सी सर्वर सर्वर को ये नहीं बताएगा कि ए ने रिक्वेस्ट की है इस तरह से ये डेटा एन्क्रिप्शन या डेटा का एनकैप्सुलेशन का काम करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इसलिए हम यूज़ करते हैं प्रॉक्सी सर्वर नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर इज़ कॉल्ड कंप्यूटर के बीच में डेटा अगर एक्सचेंज करना हो तो उसको जो रूल्स हैं उनको क्या बोलते हैं तो इसके ऑप्शंस हैं प्रोसीजर प्रोटोकॉल्स हाइपर लिंक प्रोग्राम तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी प्रोटोकॉल्स और प्रोटोकॉल्स को सेट ऑफ रूल्स भी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बार कोड स्टोर इन्फॉर्मेशन यूजिंग तो बार कोड में इंफॉर्मेशन किस तरीके से स्टोर की जाती है तो इसके ऑप्शन हैं थिक एंड थिन लाइन्स पंच होल डॉट्स ऑल ऑफ दीज तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए थिक एंड थिन लाइन्स तो बारकोड आपने देखे ही होंगे हम कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं जो हम किसी बड़ी मार्केट से या मॉल से ख़रीदते हैं तो उन उनमें वहाँ पर बारकोड रीडर होता है उससे उस प्रोडक्ट के कोड को रीड किया जाता है तो बारकोड देखिए इस तरह की लाइन्स होती हैं वर्टिकल लाइन्स कुछ लाइन मोटी होंगी कुछ पतली होंगी कुछ की थिकनेस कम होगी कुछ की ज़्यादा होगी तो इस तरह से जो लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं बार कोड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन विच ऑफ द विच इज़ द बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज और प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट तो इंटरनेट के लिए कौन सा बेसिक प्रोटोकॉल है या फिर कम्युनिकेशन लैंग्वेज कौन सी है इसके ऑप्शन है टी सी पी आई पी टी सी डी पी आई ई पी टी सी एम पी आई के पी या फिर नन ऑफ दीज तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए टी सी पी आई पी टी सी पी आई पी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब वेब में अगर हमें इंटरनेट पे कोई भी डॉक्यूमेंट को पब्लिश करना होता है तो उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है पहले तो इसके ऑप्शन है डॉक फाइल मशीन लैंग्वेज एच टी टी पी या फिर एच टी एम एल इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी एच में कन्वर्ट किया जाता है अब एच की बात करें तो फुल है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन इनमें से कौन सा सर्च इंजन है इसके ऑप्शन है गूगल आर्ची आर्पनेट एफ टी पी तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन है गूगल गूगल एक सर्च इंजन है आपने देखा ही होगा हमें कुछ भी सर्च करना होता है तो हम गूगल में जाकर सर्च करते हैं और सर्च इंजन जो होता है वो हम कुछ भी वेब में सर्च करते हैं उस हमारी सर्च को हमें हमारी सर्च के पास हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है एक्सेस प्रोवाइड करवाने का काम करता है सर्च इंजन नेक्स्ट क्वेश्चन है राउटर राउटर तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन बिटवीन नेटवर्क तो जो राइट राउटर होता है ये नेटवर्क के बीच में डेटा पैकेट्स को हमारे एड्रेस तक जिस एड्रेस तक हमें डेटा पैकेट्स को भेजना होता है उस एड्रेस तक डेटा पैकेट्स को पहुंचाने का काम करता है और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से आईपी एड्रेस की हेल्प से पैकेट को उसके एड्रेस तक पहुंचाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अ फाइल फ्रॉम अ टर्मिनल इज अगर कोई फाइल टर्मिनल के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है तो उसको क्या कहते हैं तो इसके ऑप्शन है हिरोसिटिक इंटरेक्टिव इंटेरोगेशन नन ऑफ दिस तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी इंटेरोगेसन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिजिटल सिग्नेचर इज तो डिजिटल हस्ताक्षर क्या है तो इसके ऑप्शन है स्कैन सिग्नेचर सिग्नेचर इन बाइंड्री फॉर्म हैंड रिटन सिग्नेचर एंड क्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी एंड क्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन गोपनीय हस्ताक्षर होते हैं डिजिटल सिग्नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द विच इज नॉट अ क्लास ऑफ लैंड। इनमें से कौन है जो लैंड की क्लास नहीं है तो इसके ऑप्शन है टोकन बस सी एस एम ए सी डी ब्रॉडबैंड या फिर ऑल ऑफ दीज तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज ये सभी इनमें से कोई भी लैंड की क्लास नहीं है तो अगर ऑप्शन बी सी एस एम ए सी डी की फुल फॉर्म की बात करें तो सी एस एम ए सी डी की फुल फॉर्म होती है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन मेमोरी होल्ड डेटा एंड प्रोग्राम तो मेन मेमोरी में डेटा और प्रोग्राम को होल्ड किया जाता है तो इसके ऑप्शन है टेम्परेरली परमानेंटली वंस ओनली वंस या फिर नन ऑफ दीज तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए टेम्परेरली होल्ड किया जाता है मेन मेमोरी में प्रोग्राम को और अगर मेन मेमोरी या फिर टेम्प्रेरी मेमोरी की बात करें तो इसको प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और ऑप्शन बी परमानेंट मेमोरी इसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेल्थ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस इज़ तो इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसको सर्वाधिक आम है जो तो इसका इसके ऑप्शन है लाइट पेन कीबोर्ड मोनीटर या फिर माउस तो देखिए इसका अगर आप ऑप्शन बी या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी ऑप्शन टिक करेंगे तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं की बोर्ड और माउस ये दोनों मोस्ट कामन यूज इनपुट डिवाइस हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस लाइट्स इन प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड अगर प्रेजेंटेशन में हमें स्पेशल इफेक्ट डालना हो तो उसको किसकी हेल्प से डाला जाता है तो इसके ऑप्शन है एनिमेशन ट्रांजिशन कस्टम एनिमेशन या फिर इफेक्ट तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी ट्रांजिशन नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर एंड ट्रांसलेटर आर वन फॉर्म ऑफ तो जो कंपाइलर और ट्रांसलेटर होते हैं वो किसके प्रकार होते हैं तो इसका ऑप्शन है हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर रैम या फिर रोम तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर ये दोनों होते हैं सॉफ्टवेयर के फॉर्म्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टीन पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अगर पर्सनल कंप्यूटर को अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो वो क्या बनाते हैं तो इसके ऑप्शंस हैं एंटरप्राइज नेटवर्क सुपर कंप्यूटर या फिर सर्वर तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी नेटवर्क नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया इज भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है इसके ऑप्शन है शिवा परम आर्यभट्ट या फिर बुद्ध तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी परम नेक्स्ट क्वेश्चन है और कंप्यूटर्स मस्ट हैव सभी कंप्यूटर्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो होनी ही चाहिए मस्ट का मतलब है होनी ही चाहिए तो इसके ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अटैच प्रिंटर अ वायरस चेकिंग प्रोग्राम अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर में होना ही चाहिए क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा बाकी ये तीनों जो हैं ये अगर नहीं भी होंगे तब भी कंप्यूटर एटलीस्ट स्टार्ट तो होगा कुछ तो काम करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम यूजिंग सबसे पहले कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम किए जाते थे तो इसके ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज सोर्स कोड या फिर सपेगिटी कोड तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज सबसे पहले मशीन लैंग्वेज में कोडिंग की जाती थी और मशीन लैंग्वेज में जीरो या वन के फॉर्म में कोडिंग की जाती थी और उस वजह से ये कोड्स काफ़ी लंबे होते थे और उसके बाद जो सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज आई तो उसके बाद सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में छोटे छोटे वर्ड्स को या निमोनिक्स को यूज़ किया जाता था जैसे अगर कुछ ऐड करवाना हो तो उसके लिए ए डबल डी यूज़ कर लेते थे कुछ सब्टेक्ट करना हो तो उसके लिए एस यू बी यूज़ कर लेते थे और फिर उसके बाद आई थर्ड जनरेशन लैंग्वेज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो थी उनको हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं और इन लैंग्वेजेस में इंग्लिश की तरह मतलब वर्ड्स मतलब इसको इंग्लिश की तरह ही एक ये लैंग्वेजेस थी और ये इनमें कोड लिखना काफ़ी इजी था और थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस की बात करें तो जैसे सी सी प्लस प्लस ये सभी लैंग्वेज थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरर इन कंप्यूटर डेटा इज कॉल्ड कंप्यूटर डेटा में अगर कोई एरर हो त्रुटि हो तो उसको क्या बोलते हैं तो इसके ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस सीपीयू चिप या फिर बग तो इस राइट आंसर है ऑप्शन डी बग नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक इज ए डैश लैंग्वेज बेसिक एक किस तरह की लैंग्वेज है तो इसके ऑप्शन है कैलकुलेटिंग डिवाइस प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बॉथ ए एंड बी तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी अ प्रोसीजरल लैंग्वेज बेसिक एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है और बेसिक के फुल फॉर्म की बात करें तो बेसिक की फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल परपजस सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर विच की इज यूज़ कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए रीसेट की नेक्स्ट क्वेश्चन है पावरफुल की डेट लेट यू एग्ज़िट द प्रोग्राम व्हेन पुश ऐसी कौन सी की है जो आप प्रोग्राम से एग्जिट कर जाते हैं जब उस की को आप दबाते हैं तो इसके ऑप्शन है रिटर्न की एस्केप की स्पेस वार या फिर एरो कीज तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एस्केप की नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेन्यू टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू तो इनमें से कौन सा मेन्यू टाइप है जिसको ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बोलते हैं तो इसके ऑप्शन है पुल डाउन पॉप अप कैसकेडिंग या फिर फ्लाई बट तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए पुल डाउन मेन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्मॉल फिगर दैट विच डिपिक्ट एप्लीकेशन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अगर एप्लीकेशन कोई स्क्रीन में कोई एप्लीकेशन को बताना हो किसी फिगर के थ्रू तो उस फिगर को क्या बोलते हैं तो इसके ऑप्शन है आइकन मॉडम फोटो या फिर मेन्यू तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए आइकन नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स एंड फोल्डर इन अपनी पर्सनल फाइल और फोल्डर को कंप्यूटर में कहाँ पर रख सकते हैं तो इसके ऑप्शन है माई टेक्स्ट माई फाइल्स माई फोल्डर या फिर माई डॉक्यूमेंट तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी माई डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द कंप्यूटेशंस आर रियली परफॉर्म बाय यदि कोई भी कंप्यूटेशन करनी हो कंप्यूटर में तो वो किसके द्वारा की जाती है इसके ऑप्शन है मॉनिटर हार्ड डिस्क कीबोर्ड सीपीयू इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी सीपीयू सीपीयू के द्वारा की जाती है कोई भी कॉम्पिटिशन नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन यू पुट इन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड अगर हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं तो इसका ऑप्शन है डायरेक्टरी, डेटा फाइल्स या फिर फैक्ट तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी डेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स आर रेफर टू एज अगर टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को बनाना हो तो उसके लिए सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो इसके ऑप्शन है प्रेजेंटेशन वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट या फिर डी तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसर को यूज करते हैं अगर हमें टेक्स्ट बेस्ड कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ यूज टू मेज़र द लाइन अप ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट को मेज़र करना हो तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं तो इसका ऑप्शन है रूलर ग्रिड लाइन्स डॉक्यूमेंट मैप या फिर थम तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए रूलर का यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफॉल्ट पेज साइज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट अगर वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसका डिफॉल्ट पेज साइज क्या होता है तो इसके ऑप्शन है लेटर ए फोर लीगल या फिर नन ऑफ दीज तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए लेटर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज बेस्ट टू वर्ड प्रोसेसर के का सबसे उत्तम प्रयोग किसके लिए होगा तो इसके ऑप्शन है पेंट अ पिक्चर ड्रॉ अ डाइग्राम टाइप अ स्टोरी वर्कआउट इनकम एंड एक्सपेंसिज तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी टाइप अ स्टोरी स्टोरी अगर हमें कुछ भी चीज़ टाइप करनी होती है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम वर्ड प्रोसेसर इसके अलावा पेंट अ पिक्चर और ड्रॉ और डायग्राम, इसके लिए हम यूज़ करते हैं पेंट को और वर्कआउट इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड काम करना हो तो उसके लिए हम एम एस का यूज़ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू फाइल इन एम एस वर्ड इज़ यदि एम एस वर्ड में नई फाइल ओपन करनी है तो उसको क्या बोलते हैं तो वो किस से ओपन की जाती है कौन सी शॉर्टकट की से ओपन की जाती है तो इसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एन कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस बी या फिर कंट्रोल प्लस एक्स इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एन नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू वॉन्ट टू रीडू एन एक्शन इन डॉक्यूमेंट देन यू प्रेस यदि हमें किसी आ, रीडू करवाना है किसी भी एक्शन को तो हम कौन सी की दबाएंगे? तो इसके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आर कंट्रोल प्लस यू कंट्रोल प्लस एक्स या फिर कंट्रोल प्लस वाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस वाई सो so, आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यदि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो हमें थोड़ा लर्न करने में भी प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट पार्ट मैं इसका जल्दी ही कल ही आपके लिए लेकर आऊँगी तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते क्वेश्चन को देखते रहिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू